स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिआं दा। सो यूएसए की गल करांगे। यूएसए स्टडी वीजा बारे हमेशा कहा जाता है कि विदाउट आयल्स तुसी यूएस का स्टडी वीजा हासिल कर सकते हो। किन्ना क सौखा है, किन्ना क औखा है? विदाउट आयल्स जो हैगा तो रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, किदा के प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स ईजीली मिल रहे हैं, तो प्रेजेंटली किदा का ट्रेंड चल रहा है, ये सारे सवालों के जवाब देवांगे। आज के साडे गैस्ट ने वीजा ऑफिस के डायरैक्टर गगनदीप सिंह जी। सो चैनल जरूर सबसक्राइब करके रखो क्योंकि असं लेटैसट अपडेट्स रैगूलरली थोड़े न शेयर करते रहेंगे। गगन जी वैलकम। थैंक यू दीपक जी एंड सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। सो गगन जी, तुसीं भी सुनिया आ किया जाता जदों यूएसए का स्टडी वीजा विदाउट आयल्स, ये जिहड़ी लाइन है सुन के कई बार बहुत ज़्यादा सिंपल तो ईजी लगता है, ये सच है नहीं सच है, किन्ना का ईजी है किन्ना का औखा है? सर देखो, यूएसए एक वो कंट्री है जिहड़ी हर बच्चे की एक वो डेस्टिनेशन है जिथे हर बच्चा जाना चाहता है हुण तो नहीं काफ़ी सालों तो। उहदी फस्ट अगर ड्रीम कंट्री की गल करिए तो वह यूएसए निकल के आती है। सो अज की डेट में भी उही चीज़ चलती पी है कि यूएसए 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 ही जाना है, होर नहीं। इस कंट्री विच केड़ा बच्चा जा सकता है केड़ा नहीं, जे तुसी प्लस टू पास आउट है हो, परसेंटेज वधिया हैगी है, इंग्लिश मीडियम तो तुसी स्टडी आउट किया है, यानी कि तुहाडी जिहड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सी इंग्लिश हैगी है, विदाउट आइल्स विदाउट पीटी ही भी तुसी जा सकते हो। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैगियां जिहड़ा एडमिशन देंदियां ने। कई लोगों नूं हल्ली भी इह चीज़ लगती है कि भई आइल्स किया नहीं, अगे इंटरव्यू होना है, स्पीकिंग लैवल साडा किदा जज करेगी यूनिवर्सिटी। सो उस दे रिगार्डिंग भी मैं एक गल दसदा कि यूएसए का ऑलरेडी जिहड़ा प्रोसेस है, मैं कई बार यह चीज़ अपने वीडियोज़ विच भी दस चुके हैं, कई वक्री वक्री यूएसए की वीडियोज़ भी मैं बनाई हुई है, तुसी वो लोग भी चैक करके देख सकते हो कि वॉट इज़ द यूएसए प्रोसेस, कि यूएसए का प्रोसेस है की किदा, एडमिशन क्राइटीरिया फुलफिल होंगे ने किदा, तुहाडी I-20 आती है की चीज़ा की तुहाडी चैकिंग होंगी है, किस किन्ने कु फंड्स की रिक्वायरमेंट होंगी है, सारा कुछ मैं डिटेल्ड बनाया है। बट गल करते पे विदाउट आइल्स, यस हाले भी बच्चा जा सकता है, अगर कोई भी बच्चा 17, 18, 19, 20, 21, 22 ईवन जिहड़ा भी पास आउट बच्चा हैगा 12th, वो बच्चा ईजली यूएसए वल रुख कर सकता है, चाहे उन्हें आइल्स की है नहीं की मैटर नहीं करता, I-20 उस बच्चे असी लेकर देवांगे। उदे विच बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जिहड़ी मेरी पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन हैगा, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्हों कहने वह इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, प्लस जिहड़ी परसेंटेज है वह मेरी बहुत वधिया होनी चाहिए, यानी कि 65 above percentage अगर मेरे को मार्क्स है ने, मैं ईजली यूएसए की I-20 ग्रेंट कर सकना, लै सकना और अपना यूएसए का सपना पूरा कर सकना। जिहड़ा प्रोसेस हैगा I-20 आने तो बाद बच्चे जिहड़ा अंबैसी जाना पैंदा इंटरव्यू वास्ते, इंटरव्यू की जिहड़ी प्रैपरेशन होंदी है वह सारा कुछ असी करवाने, अपनी एक वक्री टीम हैगी, मेरा एक अपना वक्रा डिपार्टमेंट हैगा जिहड़ा उस बच्चों नूं तैयार करते ने इंटरव्यू की। इंटरव्यू हार्डली मैटर ऑफ फैक्ट अगर गल कर लिए टाइम की, तो 1 to 1.5 minutes या वो तो वो 2 minutes का इंटरव्यू होंगे अंबैसी, जिहड़ा कि फिजिकल इंटरव्यू है, यानी कि आमने सामने बैठ के तुहाडा इंटरव्यू होंगे। कंसर्न बहुत सिंपल ने अंबैसी के भी, वह बस उन्होंने जोड़े जनरल क्वेश्चन है, 3-4 ही जनरल क्वेश्चन ने जिदा वो आंसर थोड़े तो लभद ने। कई बच्चों के तो इंटरव्यू जो देन गया और वो चीज़ चैक करते ही वो डॉक्यूमेंट्स जोड़े उन्होंने कोलरेडी पहुँचे हुए हैं ऑनलाइन, वह देखते ही नाल ही उन्होंने कह दें कि योर वीज़ा हैज़ बिन ग्रांटेड। कई बच्चों की प्रोफाइल के उत्ते उन्होंने लगता है कि नहीं सानू हाली क्रॉस चैक करना है, बच्चे दे नाल आपां गल करनी है, तो वह इंटरव्यू से 3-4 ही मेजरली उन्होंने क्वेश्चन होंगे, वाई यूएसए, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस स्पोर्ट्स, से तो फंड्स किन्ने को तुसी शो किए ने, कितों है पैसा आया, कौन तुहानू स्पोंसर कर रहा है, दीज आर द जनरल क्वेश्चन जिहड़ा कि अंबैसी ऑफिसर एक वीज़ा ऑफिसर एक बच्चे तो सुनना चाहता है। सो वो सारी चीज़ा जिहड़ा हैगा पार्ट इंटरव्यू का, वो सारा कुछ असी क्लीयर करवाने, यानी कि असी उसकी प्रिपरेशन कराने बच्चे की, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट जिहड़ा मैं ऑलरेडी तुहानू कह रहा कि मेरा इंटरव्यू डिपार्टमेंट की टीम वक्री हैगी है, सो वो उस बच्चे की पूरी होलसोल तैयारी करवाते हैं ताकि वह बच्चा जो इंटरव्यू देन जाए वो कोल सारे क्वेश्चन ते आंसर्स ऑलरेडी उहदे कोल। प्रेजेंटेशन यानी कि जदों तुसी अपना इंटरव्यू देन जा रहे हो, अगर तुसी इंग्लिश विच 2 मिनट गल कर सकते हो
अपने आप को डिफाइन कर सकते हो उस वीज़ा ऑफिसर के अगे, तुसी 100% अपना यूएसए का वीज़ा लेकर आओ। सक्सेस रेट की जिहड़ी गल पूछी गई कि ट्रेंड हैगा, सो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर इस साल की गल करिए तो लास्ट ईयर यूएसए का ना ना करते करते भी 70% तक रिजल्ट ग्रांट होए सी, बट इस साल जिहड़ा है अगर लास्ट मंथ तक की आप गल करिए सो अप्रोक्सीमेटली 82% तक यानी कि वह पहुँच चुके हैं, रिजल्ट ग्रांट हो चुके हैं इन पॉजिटिव वे। सो ए यूएसए हैगा ऑल टूगैदर, वॉट मैटर इज योर कॉन्फिडेंस, योर थोड़ा प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड मैटर करता है, थोड़ी बॉडी लैंगुएज मैटर करती है जो तुम अपना फिजिकली अंबेसी के अंदर जा रहे हो फॉर योर इंटरव्यू। सो गलबात करने सफिशियंट इंग्लिश तो होनी चाहिए जिवें तुसी दस्या, पर इंटरव्यू की किसी खास तरीके की तैयारी भी तुसी करवाउंदे हो? बिल्कुल, जिहड़ा मैं बार बार कह रहा है कि मेरी जिहड़ी टीम हैगी है डिफरेंट पैटर्न जरा अपना ऑनलाइन रह के ही तैयारी होंदी है, करे रह के बच्चा अपने आप को तैयार करेगा। मेरे जो टीचर्स हैगे ने, जो ट्यूटर्स हैगे ने जिन्होंने इंटरव्यू की उन्होंने तैयारी करानी है, तो उन्होंने पूरा क्वेश्चनेयर विद आंसर्स असी प्रोवाइड करने हैं, जिहड़ा बच्चे ने समझ के उन्होंने याद करना है, तो अपनी उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज के उत्ते भी असी और उसके कॉन्फिडेंस लैवल को बढ़ाने वास्ते भी आप वक्री वक्री एक्टिविटीज़ बच्चे तो कराते हैं। सो कितना सक्सेस रेट होता है गगन जी इंटरव्यू का? सर जिदा मैं पहले भी कही है, इंटरव्यू की जिहड़ी गल मैं दसी है कि पिछे जिहड़े बच्चे गए, कई दे जिहड़े स्कोर्स गैप भी ज़्यादा नहीं सी, विदाउट आइल्स बच्चे, उन्होंने भी बिना कुछ पूछे वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा ग्रांट किया। सो टोटली मैटर कि हाँ इट्स अ लक, जिहड़ा इंटरव्यू है इंटरव्यू तो आना ही आना, यानी कि तुहानू देन जाना ही पैना एम्बेसी दे विच। जनरल क्वेश्चन होंदे ने, होर कुछ नहीं होंदा, जिहड़ी SOP स्टेटमेंट ऑफ परपस इहनू आपां कहिंदे आ, वह बच्चे नू ध्यान नाल रखनी पैंदी अपने दिमाग में, क्योंकि सारे क्वेश्चन उहदे विचों ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं आ। सो इंटरव्यू ही एक हैगा मेजर पॉइंट USA दा टू गैट योर वीज़ास, यानी कि तुसीं अपना F1 वीज़ा इंटरव्यू बेस ही मिलना है और 5 ईयर्स का यह वीज़ा होंदा। सो स्टूडेंट्स USA नू लैके जो कोई सवाल रह गया, अपने प्रोफाइल नू लैके कोई गल थोनू नहीं समझ लगी, तो तुसी वीज़ा ऑफिस की टीम नू विजिट भी कर सकते हो, 90410 90410 ते कॉल करके अपॉइंटमेंट बना के पंजाब के वख वख शहरां दे विच वीज़ा ऑफिस के ब्रांचिज ने उत्थे मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। स्टडी वीज़ा के मुद्दे पर मैं बनागा तुहाडी आवाज़, कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल, ते तुहानू मिलणगे तुहाडे सवालों के जवाब।